हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप भी दांतों के झिनझिनाहट से परेशान रहते हैं? दांतों में दर्द होती है, काफ़ी तेज़ी से दर्द होता है और कभी पानी ठंडा और गर्म लगता है, काफ़ी झिनझिनाहट होती है और हमें खाने पीने में या पानी पीने में या किसी भी चीज़ को जब हम खाते हैं तो हमें काफ़ी परेशानी होती है और बहुत ही झिनझिनाहट का सामना करना पड़ता है। मसूरों में सूजन हो जाता है, दांत पीले पड़ जाते हैं, दांतों में दर्द होती है, दांतों में सड़न की प्रॉब्लम हो गई है, काफ़ी सारी परेशानी यदि आपको दांतों में हो गई है, कई सारी समस्याओं से यदि आप दांतों की परेशानी से मेरे परेशान हैं, तो आज मैं जो आपके साथ नुस्खा शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान नुस्खा है, जिसे आप प्रतिदिन यूज करते हैं, प्रतिदिन खाते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि इससे आप दांतों को झुंझुनाहट से भी छुटकारा पा सकते हैं और दांतों की दर्द की भी समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। दांतों के कई समस्या को दूर किया जाता है सिर्फ इस उपाय से, जिसे आप आसानी से किचन में प्रतिदिन इसका उपयोग करते हैं। शायद मालूम नहीं होने के कारण आप इस नुस्खा को नहीं आजमाते होंगे और ट्राई नहीं करते होंगे, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान नुस्खा, जिससे आप आसानी से दांतों की हर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दांतों में काफ़ी तेज़ी से झिनझिनाहट होती है, मसूरों में सूजन है, काफ़ी परेशानी होती है जब ये झिनझिनाहट हो जाते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बहुत सारे मेडिसिन और बहुत सारे टूथपेस्ट लिख देते हैं और दे देते हैं, उसी टूथपेस्ट का हम प्रयोग करते हैं तो हमें दांतों में उस समय तो आराम मिलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर हमें वही समस्या का सामना करना पड़ता है। दांतों में झिनझिनाहट और दांतों की सड़न की प्रॉब्लम, दर्द, काफ़ी सारी परेशानी दांतों में हो जाती है, जहाँ तक कि हमारा दांत जो है पीले पड़ जाते हैं और हम काफ़ी सारे मंजन मार्केट से ख़रीदते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, उस समय तो हमें अच्छा लगता है लेकिन बाद में हमें फिर जैसे ही था वैसा ही हो जाता है। तो आज मैं जो आपके साथ नुस्खा शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आसान नुस्खा है, जिसे आप आसानी से घर का ही चीज़ों से प्रयोग करके आप दांतों की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और बहुत ही ईजी और आसान है इससे बनाना, जिससे आप प्रतिदिन घर में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, उसके बिना खाना का स्वाद अधूरा है और लेकिन हम नहीं जानने की वजह से उसका प्रयोग अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारा जो भी न्यू वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा और लोगों को भी मिल सके, इसका फ़ायदा और लोगों को भी आसानी से मिल सके। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नमक खाने को स्वाद, नमक ना हो तो बेकार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि नमक का प्रयोग करके आप दांतों की झिनझिनाहट, दांतों की जो दर्द है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं और दांतों को कई समस्याओं से आप दूर कर सकते हैं, समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। दांत में यदि दर्द हो रहा है, दांत में कीड़े लग गए हैं, दांतों के पीलापन है या आपका झिनझिनाहट होता है, पानी पीने में ठंडा गर्म लगता है, खाना खाने में या कोई आप मीठा चीज़ खाते हैं तो दांतों में बहुत जोर का झटका लगता है, झिनझिनाहट आता है, तो उसे आप आसानी से इस उपाय से ठीक कर सकते हैं। इसे करना कैसे है अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। आपको नमक जो आप प्रतिदिन खाने में यूज करते हैं उस नमक को नहीं लेना है, यानी कि आपको लेना है सेंधा नमक। सेंधा नमक काफ़ी असरदार होता है दांतों के लिए, झिनझिनाहट के लिए, दांतों के दर्द के लिए, जहाँ तक कि पेट की कब्ज गैस की समस्या को भी बहुत जल्दी जड़ से ख़त्म करता है। तो उस सेंधा नमक को आप बारीक पीस लें और एक गिलास पानी में, पानी नॉर्मल लेना है, उसमें चुटकी भर, एक या दो चुटकी नमक मिलाए सेंधा नमक, और अच्छी तरीके से मिलाकर आप इस पानी को गलाला करें, इस पानी को पिए, गलाला करके बाहर पानी को फेंक दें। दिन में 3 से 4 बार जरूर करें। यदि आप 2 से 3 दिन ही करेंगे तो आपको दांतों की झिनझिनाहट, दांतों में जो आपको कनकनी आती है, झटका आती है मीठा खाने या ठंडा पानी पीने से, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। दांत में यदि दर्द है की समस्या, वो भी बहुत जल्दी ठीक होगा। दांतों की सड़न को भी समस्या को दूर करता है, जहाँ तक कि यदि आप कोई भी सामान खाते हैं, जैसे कि आपने कोई मीठा चीज़ खाया या ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी पिया,
तो उससे भी आपको जो झंझनाहट होती है उससे काफ़ी जल्दी दूर करता है। जब भी हम बाहर से कोई भी टूथपेस्ट के मंजन करते हैं तो उसमें भी नमक ही होता है। पुराने ज़माने में इसी नमक का प्रयोग करके हमारी दादी नानी दांतों को अच्छी तरीके से साफ करते थे, झंझनाहट से दूर होते थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। आजकल बहुत सारे मेडिसिन आ गए हैं जिसका हम प्रयोग करके अच्छे होने की जगह हम और ही अपने परेशानियों को न्योता दे देते हैं। तो एक बार आप जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। नमस्कार।